पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद एक नया शहर ज़रूर है, ताहम इस इलाके की तारीख 5 लाख साल पुरानी है। इस्लामाबाद की मशरकी सिमत बहने वाले दरियाए सवां की तहजीब का शुमार दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में होता है। दरियाए सवां के किनारे मुर्गा और चौंतरा से पत्थर के दौर के औजार मिले हैं। ये जो हमें मिलते हैं मतलब है दस्ती कुल्हाड़ियाँ, वो पत्थर से जो तराशते थे चीज़ों को वो, और उसके बाद ये लाइमस्टोन मिले हैं और हमें कुछ और मिले हैं रेत के, ये पत्थर भी मिले हैं जो ये लोग बनाते थे। आज के दरिया सवां की लंबाई 150 किलोमीटर है, ताहम इसकी तहजीबी कदामत को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद ये अपने वक्त में बरसगीर का सबसे बड़ा दरिया हो, जिसकी एक वजह बाज़ जगहों पर इसका मीलों में फैला हुआ पाट और दूसरी वजह इसकी तय में सफ़ेद, सुर्ख और सब संगे मरमर के पत्थरों का पाया जाना है। हालांकि मरी के जिस इलाके में इसका सरचश्मा है वहाँ सिर्फ रेतला पत्थर ही पाया जाता है। शायद लाखों साल क़बल इसका सरचश्मा तिब्बत का इलाका हो। ओल्डेस्ट तरीन है मतलब इसके बाद बाकी जो है वो दरमियाने पत्थर का ज़माना आया, फिर जो है जिसको हम मेसोलिथिक बोलते हैं, फिर न्यूलिथिक बोलते हैं, एक न्यू पत्थर का ज़माना, लेकिन ये सबसे पुरानी है। और इसको अगर हम देखें तो इसका हम जो है वो जो है कंपैरिजन कर सकते हैं अशोलियन कल्चर से। अशोलियन जो कि बहुत मतलब पुराना ज़माना है, वो भी पुराने पत्थर के ज़माना है, और वो सबसे पहले फ्रांस में वहाँ इस तरह के टूल्स और इस तरह के औज़ार बनने शुरू हुए थे, और फिर उसी तरह के यहाँ से भी हमें मिलते हैं। तो ये ओल्डेस्ट तरीन है, पहला पत्थर का ज़माना। माहिरीन आसार कदीमा का ये ख्याल है कि लाखों साल पहले जब बर आज़म जुड़े हुए थे, तब हिंदुस्तान से ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अमेरिका की जानेब हिजरत हुई थी। शायद यही वजह है कि जब आप सवां रिवर को गूगल करते हैं तो इस नाम से दो और दरिया भी सामने आते हैं, जिनमें से एक ऑस्ट्रेलिया और दूसरा कनाडा में है। जिस तरह 500 साल पहले बरतानिया से लोगों ने अमेरिका हिजरत की, तो वहाँ उन्होंने अपने आबाई शहरों के नाम पर नए शहर बसाए, बिल्कुल इसी तरह सवां के वासियों ने भी वहाँ जाकर इन दरियाओं को सवां का नाम दिया होगा। सवां के किनारे अब जदीद आबादियाँ तेज़ी से फ़रोग पज़ीर हैं। नाला लई और कोरंग नाला भी अपनी आलूदगी सवां की नज़र कर रहे हैं, जिसकी वजह से अपने वक्त का ये अजीम दरिया और कदीम तरीन तहजीबों का मस्कन एक गंदे जोहड़ की शक्ल अख्तियार कर चुका है। अंग्रेज़ों के दौर में ये दरिया इतना शफाफ था कि इसकी रेत से सोना निकालने के लिए बाकायदा लाइसेंस दिया जाता था, मगर आज इसके गिर्द ज़मीनों की हैसियत सोने जैसी हो चुकी है, जहां आबाद होने वाले शायद इसकी लाखों साल कदीम तहजीब से ना आशना हैं। हज़ारों साल पर मुहित बनती बिगड़ती कई तहजीबों का राजदान दरियाए सवां इसी मकाम से रावलपिंडी इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होता है, मगर आगे जाकर इस दरिया पर क्या बीतती है इसका अंदाज़ा आपको इस रिपोर्ट में बखूबी हो चुका होगा। पाकिस्तान सागा के लिए सज्जाद अज़र, दरियाए सवां, ज़िला रावलपिंडी।